सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर एसपी सिंह ओब्राई द्वारा माता साहिब कौर गर्ल्स स्कूल की 2 मंजिला आधुनिक इमारत 1.70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई, जिसका उद्घाटन पूर्व विदेश राज्य मंत्री महारानी परनीत कौर ने डॉक्टर एसपी सिंह ओब्राय की मौजूदगी में किया। शाही शहर में स्थित उसारी गई 2 मंजिल इमारत में विद्यार्थियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। उद्घाटन मौके समागम को संबोधित करते श्रीमती परनीत कौर ने कहा कि समाज सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए ऐसे मौके डॉक्टर ओब्राय द्वारा प्रदान करना बहुत प्रशंसनीय कार्य है। परनीत कौर ने कहा कि ऐसे नेक कार्य के लिए ओब्राय और उनकी समूची टीम बधाई की पात्र है। इस मौके सरबत भला ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी एसपीएस ओब्राय ने कहा कि उन्हें समाज भलाई के कार्य करके उन्हें व उनके परिवार को सुकून मिलता है। उन्होंने ट्रस्ट की ओर से समाज सेवा के चल रहे कार्यों का जिक्र करते हुए यह कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित देश के अलग अलग राज्यों में सरबत भला ट्रस्ट की गतिविधियाँ ट्रस्ट द्वारा स्थापित इकाइयों द्वारा चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा विदेशों में फंसे निर्दोष 88 सजा पाने वाले पंजाबियों की सुरक्षित वतन वापसी के साथ साथ पंजाब व हरियाणा में गुर्दों की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए डायलिसिस के लिए 92 यूनिट अब तक लगाए हैं। इस मौके ट्रस्ट के प्रधान सरदार जस्सा सिंह संधू और स्कूल समिति के प्रधान प्रेमजीत सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पीआरटीसी के चेयरमैन के शर्मा, कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान के मल्होत्रा, शहरी प्रेम कृष्णपुरी के अलावा ट्रस्ट के अहुदेदार व शहर की पितवते सज्जन विशेष तौर पर उपस्थित रहे। जिक्र योग है कि माता साहिब कौर गर्ल्स स्कूल की खस्ता हालात को देखते हुए डॉक्टर एसपी सिंह ओब्राय ने मई 2014 में इस स्कूल को गोद लेकर इसका निर्माण कार्य शुरू किया व उसारी गई आधुनिक इस 2 मंजिला स्कूल की इमारत की समर्था भी बच्चों के पढ़ने के लिए दुगनी कर दी गई है। बहुत ही सत्कार योग सारे पटियाला शहर वक् वक् संस्थावां तो और पार्टियां तो जेड़े आज आए हुए ने जो सरबत द भला दे ट्रस्ट दे चेयरमैन एस पी ओब्राय जी इन्हां दी पूरी टीम मैं अज इन्हां नूं लख लख वधाई दिंदी हां कि माता साहिब कौर स्कूल जो साडे बहुत ही पूजनीय माता जी दे नाम दे उत्ते है जो बिल्कुल खंडर बनिया होया सी उन्हां नूं इन्हां ने गरीब बच्चियां दे जिथे एजुकेशन होंदी है वह इन्हां ने अज 2 मंजिला बना के इनू कैम किया। वधिया गुरद्वारा साहब के बच्चों रोज़ वाहेगुरु सच्चे पातशाह की इन्हों के उत्ते मेहर रहे वो बनाए और अगे नू भी 2 मंजिला होर बनगिया। तो जो नेक काम एस पी ओब्राय जी कर रहे हैं मेरे ख्याल से पूरे पंजाब से यह जहाँ कोई है नहीं, हर एक थान के उत्ते और यही सबूत है कि साडे बाबा बलबीर सिंह, बाबा अमरीक सिंह जी जो कार सेवा करते ने उन्होंने भी आके इन्हां दे नाल हथ बटाया। मैं ओब्राय जी नू जब मैं मिनिस्टर सी उदों पहली बारी मिली और उदों तो जब इन्हां दे काम देखे जो मैं फैसिलिटेट कर सकती थी मिनिस्ट्री वालों चाहे उस 17 बच्चों की जिहड़ी जान छुट्टी फांसी तो जिहड़े पहले दुबई च सी जे कट्ठे हो के मिनिस्ट्री दे नाल इन्हां दा साथ ना हुंदा क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मैनू सौंपिया थी तो मेरे ख्याल से वो बच्चे अज अपने घर ना आए। इसी तरह 10 बच्चे अज इन्होंने होर किए ने यह करी जा रहे ने ये तो जिहड़े हैगे ने बहुत ज़्यादा पहले भी किए ने इन्होंने 88 किए ने। इतने एक ब्लॉक बनाएंगे जिहड़ा रेंट से दे के सैल्फ सफिशेंसी होगी बच्चों की जिहड़ी टीचर्स की फीस ने बहुत कम सैलरी मेरे ख्याल से जिहड़ा मैंडेटरी डेली वेज है उस तो भी कम ने पर ये लगातार लगन के नाल काम कर रही है वो भी ये डबल करेंगे जिहदे विच बच्चों को सहूलत होनगियां। तो आज इन्हां दा मैं धन्यवाद कर दी। पटियाला से हरविंदर सिंह कुकू के साथ कैमरामैन तेजिंदर पाल सिंह की रिपोर्ट। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल। हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।